तो दोस्तों आज शुरू करना है बहुत बढ़िया बात सर, जिसे हम बोलते हैं सेल बाय नॉन ओनर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, सेल बाय नॉन ओनर सेक्शन 27। कि भैया ये बताओ, नोट्स तो तुम्हारे ग्रुप पे आएंगे, तुम्हारे पास है ना, मिल गए ना नोट्स सोका कही है ना ये बताओ भैया, कोई बंदा क्या वो सामान बेच सकता है जो उसका नहीं है? है कि नहीं बात? अच्छा, तो मैं यहाँ पे यहाँ का कोई भी सामान बेच सकता हूँ किसी को भी? बोलो बोलो भैया, क्यों नहीं बेच सकता? तो भैया अगर जो सामान जिसका नहीं है और वो बेचे तो क्या कहला जाएगा? चोर 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 चोर, है ना? तो भैया चोर का टैग मिलेगा और चोरी का इल्जाम लगेगा, राइट? इसलिए कहा जाता है। हाँ, तो भैया वही, तो भैया क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये भेजनी है ना, ये भेज दिए, नहीं भेज दिए, चलो भेज दूंगा, है ना? तो भैया क्या कहा जाता है भैया, कि भैया नो वन कैन गिव, गिव बोले तो यहाँ सेल, व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, पोजेस बोले तो जिसका नहीं है, कोई बंदा वो चीज नहीं बेच सकता जो हम ओनरशिप में नहीं है। ठीक है, इसको मंगल ग्रह की भाषा में बोलता है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। क्या बोला जाता है? नेमो डबल नो। हाँ, तो होश में सुन लेना, नेमो डेट क्वेड, तो याद रखना है। ठीक है, राइट? कोई बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जो वो उसका खुद का नहीं है। अगर अगर मुन्ना मुन्नी, अगली बात ध्यान रखेंगे, अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, यानी अगर सेलर चोर है, तो बायर को चोर की संज्ञा तो नहीं देंगे, लेकिन बायर का टाइटल भी क्या होगा सर? डिफेक्टिव ही होगा। ठीक है ना, अगर सेलर ने किसी और का सामान बायर को बेचे तो बायर को चोर नहीं बोलेंगे, पर बायर भी क्या क्या कहलाया जाएगा? डिफेक्टिव टाइटल कहलाया जाएगा, वो सामान उसका नहीं होगा। तो सेलर कैन नॉट गिव बेटर टाइटल टू द बायर देन हिमसेल्फ, सेलर उससे बढ़िया टाइटल दे ही नहीं सकता सामने वाले को जिससे वो खुद का है। यानी अगर मैं चोरी का सामान बेच रहा हूँ तो वो भी तुम्हारा सामान क्या है ना, राइट? बिल्कुल भैया, जब सब उसकी इसी डायलॉग की तरह बात करेंगे, तुमने चोरी नहीं करी पर चोर का साथ दिया है ना? चोर का साथ देने वाला भी उतना ही पापी होता है जितना पापी चोरी करने वाला, है ना, पापी होता है। वही वही डायलॉग जज साहब मानेंगे। ठीक है ना, राइट? सिंपल सी बात, क्या लिखा है देखो, एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, ए ने बी का गुड़ चुरा लिया, ए ने, ठीक है ना, नहीं, ए ने चोरी के गुड्स बी को बेचे, ए ने किसको बेचा? बी को पता नहीं था चोरी का सामान बेच, ये चोरी का सामान है, बी बेचारा अनजान था, गुड फेथ था। गुड फेथ मतलब भोलू, कौन होता गुड फेथ बायर? भोलू। ये बेचारा बिल्कुल अनजान था, गुड फेथ बायर था, कि मुझे पता ही नहीं भाई चोरी का सामान है। तो क्या वो सामान बी का होगा? नहीं होगा। याद रखना, कभी एग्जाम में क्या तो बी का होगा, वो बी का नहीं होगा। बी को उसे ट्रू ओनर को लौटाना पड़ेगा, मानो ट्रू ओनर था एक्स, तो एक्स को लौटाना पड़ेगा। फिर बी क्या करेगा? बी ए के ऊपर क्या कर देगा? केस कर देगा। सेम बात ये लिखी है। अब बहुत ही खतरनाक बात, तो भी उसे लौटाना पड़ेगा। हाँ, तो बाद में पता लगेगा ना चोरी का है, जब पुलिस आएगी घर पे या उसका ट्रू ओनर आएगा ढूंढता हुआ तब, है ना? अब नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट क्या बोलता है? कोई कोई बंदा वो सामान बिल्कुल नहीं बेच सकता जो उसका नहीं है, जो उसका बोलो नहीं है। बात समझ में आई? कोई बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जो उसका नहीं है। इसका एक्सेप्शन क्या बनेगा? एक्सेप्शन, चोरी का सामान बेचो, चोरी का सामान सेल हुआ और वो बायर को बिल्कुल वैलिड मिलेगा, बायर को वैलिड मिलेगा, यानी चोरी की सेल क्या होगी? वैलिड सेल, है ना? या चोरी नाम गलत है, चोरी नहीं देते ना, क्योंकि हर बार चोरी नहीं होगी ना, राइट? अगर मैं कहूं नॉन ओनर, जो गुड्स का मालिक नहीं है, नॉन ओनर, नॉन ओनर अगर कोई सामान सेल करे और वो बायर को वैलिड सेल मानी जाए, ये इसका क्या बनेगा सर? एक्सेप्शन। तो बताओ, बोले जल्दी, क्या ऐसा हो सकता है?
कब हो सकता है ऐसा? हाँ पढ़ लिया, चीटिंग चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, है कि नहीं बात सर? है ना, बिल्कुल सही कह रहा बालक। अब एजेंट जो है, प्रिंसिपल एजेंट, सेल टू ग्राहक बायर। अब एजेंट की सेल वैलिड होती है नहीं होती है? होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। पर एजेंट कौन होता है? नॉन हो ना, एजेंट नॉन होता है, तो अभी उसकी सेल क्या होती है सर? वैलिड होती है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? नॉन ओनर की गई सेल क्या मानी जाएगी? नॉन ओनर की सेल वैलिड सेल मानी जाएगी। एक्सेप्शन एग्जाम में आता है भाई। और बताओ, ये पढ़ के देख लो सर क्या लिखा है। एजेंट प्रिंसिपल की कंसेंट से, ओनर कौन है यहाँ? प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल की सहमति से सामान बेचता हो, और एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स में क्या करता हो? काम करता हो। कि उसका काम ही क्या है? सामान बेचकर कमीशन खाना, है ना। जैसे LIC के एजेंट होते हैं, वो सर्विस हो गई। कुछ लोग देखा होगा ना तुमने, पेट्रोल पंप पे सामान बेच रहे होते हैं कंपनी का, है ना, ये लगा लो ये लगा लो। कुछ घर पे भी आते हैं लोग, है ना, विम्बा, तो वो सब एजेंट होते हैं, मालिक थोड़ी होते कंपनी के। दूसरा और कब हो सकता है सर? जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर बोले तो डैडी मम्मी है नहीं घर पे, मेरे तो घर पे है ना, राइट। तो जॉइंट ओनर कौन होता है? एक सामान के दो मालिक, एक सामान के दो मालिक। इसका मतलब कि भैया एक सामान है, दो जनों ने उसको मिलकर खरीद रखा है, पार्टनरशिप नहीं होती, वो जॉइंट ओनर, दो जनों ने उसको मिलकर खरीद रखा है। तो एक जॉइंट मानो डैडी मम्मी, मम्मी पापा ने एक सामान मिलकर खरीदा, तो मम्मी ने बिना पापा से पूछे सामान बेच दिया, वो वैलिड सेल इनवैलिड सेल? वैलिड सेल। क्यों? क्योंकि जज साहब ने बोला जॉइंट ओनर में हम ये मानते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से क्या ले रखी है सर? सहमति ले रखी है। लेकिन इसके अलावा एक सबसे खतरनाक बात, जो बायर है ना, बायर बायर होना चाहिए गुड फेथ बायर। गुड फेथ बायर बोले तो बोलो, भोलू कौन होना चाहिए सर? बताओ भोलू कौन होता है? जिसे ये पता नहीं होता कि सामान चोरी का है या ये सामान नॉन ओनर का है, और वो उस इस भरोसे पे खरीदता है कि बेचने वाला कौन है? हाँ सही ओनर है। जैसे मैं तुम्हें कोई सामान बेचू, है ना, राइट, तो तुम कौन कहलाए जाओगे? गुड फेथ बायर। बायर नहीं, गुड फेथ बायर। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हें पता, एक तो तुम्हें जानकारी नहीं है कि मैं तुम्हें चोरी का सामान बेच रहा हूँ, यानी कि जो मेरा नहीं है मैं वो बेच रहा हूँ यहाँ का कोई सामान, और ऊपर से तुम्हें इस बात का शक भी नहीं है। तुम कहोगे देवा रे देवा, उठा ले रे बाबा, देवा रे देवा रे, हम सर पे शक करेंगे भाई, है ना, सर तो भैया देवता समान है कि नहीं बात? अरे भैया अरे सर, दस साहब कह रहे हैं तुमसे, अबे तो पूछ, तुम जानकारी तो लेता कि सर का सामान है कि नहीं है, तुम रोल लगे वहाँ, कैसी बात कर रहे हो, देवता समान हमारे सर है सर, दो रोज बैठ चुके सर के, है कि नहीं बात? सर पे तो हम सपने में भी शक नहीं कर सकते। तो जिस पे तुम सपने में भी शक ना कर पाओ, है ना, और उससे ये समझ के सामान खरीद लो कि ये वो उसका ओनर है, तो तुम कौन हुए? भोलू। वो भोलू बोले तो जिस, एक तो तुम्हें शक नहीं है, और दूसरा शक नहीं है इसलिए तुम क्या मानते हो कि बेचने वाला कौन है? ओनर है, तुम्हें इसका यकीन है ना, राइट। तो वो कौन होता है सर? भोलू बायर, गुड फेथ बायर। कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि वो बेच नहीं सकता, तो तुम भोलू निकले। एक तो क्या निकले भैया बोलो? बस, तो मम्मी सामान बेच सकती है। अगला देखो सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। याद है भैया मैंने तुम्हें चक्कू दिखाया, काट डालूंगा, चक्कू दिखाया और क्या ले लिया तुमसे? मोबाइल ले लिया, याद आ गई बात कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने तुम्हें चक्कू दिखा के मोबाइल ले लिया, अब मैंने तुमसे मोबाइल छीना, है ना, चाकू दिखाया और तुम बेचारे घबरा के मुझे क्या दे गए? बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं वॉइडेबल तो होता, कौन सा होता है? हाँ चक्कू दिखा के छीन लेना, हाँ कोर्शन, है ना। तो कोर्शन हो गया, नहीं हो गया कोर्शन? क्या तुम्हारे ऊपर, तुमसे क्या लपेट लिया? मोबाइल। अब मैंने ये मोबाइल किसको बेच दिया? मान लो इसको बेच दिया सिद्धार्थ को, है ना, मान लो सिद्धार्थ को बेच, हाँ प्रिंस को बेच दिया, चलो, है ना, प्रिंस को बेच दिया और तुमसे चुराया। अब सिद्धार्थ तुम्हें मिला, वेकअप सेठ वेकअप, सिद्धार्थ कह रहा है देख रहा है भाई नया मोबाइल लिया है मैंने, और भाई बिल्कुल नया सा लग रहा है ना, लिया वैसे सर से, ये मैंने तुमने पहचान लिया भाई, तो मेरा ही मोबाइल है,
तो वहाँ बिल बिल भी था उसका, देख इसका बिल भी मेरे पास है भाई, देख देख मैंने मोबाइल में सेव कर रखा है इसका बिल। तो कह रहा पागल हो रहा है, सर से लिया है मैंने अंकुटर से, बकवास मत कर, सर के ऊपर शक कर रहा तू? कह रहा शक नहीं कर रहा भाई, सर नहीं छीना था। ओए सर के बारे में ऐसा मत भूल जाइयो, बता रहा हूँ मैं, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और मोबाइल देने के बहाने तक बिल्कुल मत बोल। उसने मोबाइल नहीं दिया तुम्हें, तुमने केस कर दिया, तुमने क्या कर दिया? अब बताओ मोबाइल सिड का होगा या मोबाइल तुम्हें वापस मिलेगा, बोलो। है ना, जज साहब ने बोला मोबाइल होगा सिड का, बताओ क्यों? नहीं, क्योंकि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुम्हारी गलती मानेगी। जज साहब ने बोला कोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। अगर कोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता तो बताओ तुमने केस पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों कर रहे हो केस 6 महीने बाद, 5 साल, है ना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद? अरे होश में नहीं हो तुम? तो जज साहब ने कहा पहले क्यों नहीं केस किया? तो तुमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रीजनेबल टाइम से क्या निकाल दिया? निकाल दिया, रीजनेबल टाइम पूरा कर दिया। और फिर यहाँ पे सिद्धार्थ क्या निकला? सिद्धार्थ भैया क्या निकला? भोलू निकला। सिद्धार्थ क्या निकला? भोलू निकला। सिद्धार्थ को इस बार की जानकारी थी नहीं कि सर ने चुरा के बेचा होगा या सर ने धमकी से लेके बेचा होगा, राइट? तो गुड्स किसका? बोलो। सिद्धार्थ वेन, सिद्धार्थ का होगा। अब नहीं, अरे नशेड़ियों, था तो मोबाइल तुम्हारा और मैंने तुमसे चुराया, धमकी से लिया है, अब तुम मेरे ऊपर केस करोगे? तुम्हारे बच्चे ऐसे हो ना, मेरे जैसे आत्महत्या कर ले किसी ने? अरे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ से तुम क्या करोगे? हाँ तो अरे टाइम निकल गया सिद्धार्थ से छीनने का, सिद्धार्थ से वापस लेने का। अरे मुझसे वापस लेने का टाइम थोड़ी निकल गया, मुझसे तो तुम क्या कर सकते हो, कभी भी केस कर सकते हो। तो क्या होगा सर, अब तुम क्या करोगे? तुम अब किसके ऊपर केस करोगे? हाँ, यू सू ऑन मी, तुम मेरे ऊपर केस करोगे। किस किस एक्ट के हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोर्शन के हिसाब से, केस एज पर सेक्शन 19, कोर्शन, है ना, सेक्शन 19 के हिसाब से। और कोर्शन का सेक्शन कौन सा था? 15। तुम कहोगे 15 के हिसाब से कोर्शन किया, 19 के हिसाब से मैं केस कर रहा हूं, तो तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से मेरे ऊपर केस करोगे। और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा फिर? कंपनसेशन, है ना, सेक्शन 75 के हिसाब से, MP-CP 73 के हिसाब से, है ना, इस तरह के तुम्हें क्या दूंगा? कंपनसेशन दूंगा। तो ये एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में, बताओ क्यों एक्सपेक्टेड होता है? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और सेल्स ऑफ गुडेट आता है। तो तुम आंसर दोगे सेल्स ऑफ गुडेट के हिसाब से मोबाइल सिद्धार्थ का, और तुम मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से केस करोगे, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुमने क्या किया सर? क्या किया? रीजनेबल टाइम निकाल दिए, ये लिखी बात। अब खाली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, अंड्यू इन्फ्लुएंस सबके ऊपर क्या लगता है सर? एप्लीकेबल होता है। अब मैंने अंड्यू इन्फ्लुएंस से तुमसे मोबाइल लिया हो चाहे धोखे से मोबाइल लिया हो, ठीक है। अगली बात, सर सेल बाय द पर्सन ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इन कंटिन्यू पोजिशन। अब ये कुछ होते हैं लालची लोग, ये किसका होता है सर? लालच। अब देखो लालच कैसे हुआ, तुम भैया एक दुकान पे पहुंचे, तुमने दुकानदार से बोला भैया ये मोबाइल दे दो मुझे, तुमने उसे मोबाइल को पैसे भी दे दिए और उसने तुम्हें मोबाइल दे दिया। तुमने कहा भैया एक काम करो, अभी रख लो मोबाइल, इसको पैक करके रखना, अभी ना कोचिंग से आते हुए ले लूँगा, फिर कोचिंग में कोई निकम्मे दोस्त है मेरे, नालायक नशेड़ी दोस्त है, मोबाइल नया दे, मोबाइल देख के पार्टी पार्टी करके चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो अभी ना उनसे बचा के ना फिर घर लेके जाऊँगा। अब दुकानदार ने कहा ठीक है भैया कभी भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने कहा शाम तक आ जाऊँगा। अब दुकानदार के पास एक नया ग्राहक पहुँचा एक्स, एक्स ने कहा ये वाला मोबाइल दे दे। उन दुकानदार ने बोला अरे ये मोबाइल कोई और ले लो। कह रहा कि उसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, बस इसे को देख बेचना नहीं है मुझे, वो ने ये नहीं बता रहा कि तेरे को बेच दिया है ना। तो ने कह रहे पैसा बोल पैसा, तो पता लगा तुमने मोबाइल 20,000 खरीदा, उसने बोला भैया इसके 50,000 रुपये का मोबाइल है, तुमने घट 50,000 रुपये दे दिए। अब लालच आ गया नहीं आ गया? अब बताओ दुकानदार कौन? नॉन ओनर, क्योंकि ओनर कौन हो? खरीदते तुम ओनर बन गए ना बिल बनवाते ही, अरे सेक्शन पढ़े थे ना 19, 20, 21, 22 डेलवे स्ट्रीट वाले, तुम ओनर हो, दुकानदार कौन हो गया? नॉन ओनर। अब बताओ सामान तुम्हारा होगा, तुम शाम को पहुंचे, उसे उसे बेच दिया, या एक्स का होगा? गलत जवाब, सामान एक्स का होगा क्योंकि वो भोलू बायर है, ठीक है ना, और बेचारे ने ज्यादा पैसे भी दिए, तो सामान किसका होगा बताओ जल्दी? सेल। और ये कौन है नॉन ओनर? तो सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड।
अब तुम कहोगे सर हमारे साथ तो ना इंसाफी है कोई, है ना, तो जज साहब ने कहा भाई तुम क्या कर दो, दुकानदार के ऊपर केस कर दो, केस का तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है भैया, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100% एग्जाम में आता है, चांसेस बहुत होते हैं इसके आने के, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी एंड गुड्स वेस्टेड टू मी, तो बहुत सिंपल है सर, ये हो गया मालिक से पूछ के सामान बेचना, है ना। अब भैया तुमने भैया कोई सामान खरीदा, तुमने सामान खरीदा मुझसे, लेकिन अभी तक ओनरशिप तुम्हारे पास नहीं गई थी, मैंने तुम्हें क्या दे दिया, पोजीशन, ये बिल्कुल उसकी तरह एजेंट की तरह। अब तुम्हें उस सामान का क्या मिल गया, ग्राहक, तुम कह रहे हो भैया 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 जो तुमसे मैं कल सामान ले गया ना उसका मुझे आज ग्राहक मिल गया, बड़ी मुश्किल से ग्राहक मिला, पता नहीं फिर दोबारा बिके ना बिके, भैया बेच दूँ। तो मैंने कहा भाई तूने पैसे दिए नहीं, भैया पक्का आई आई शपथ पैसे दे दूंगा भाई आई शपथ। मैंने कहा भाई तूने पैसे दिए नहीं, तू ओनर नहीं है तब भी तू कह रहा है, तो याद है हमने कहाँ पढ़ लिया था, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना। अगर सेलर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि भैया जो ओनर होता है उसी का लॉस होता है और जो ओनर होता है वही मालिक होता है। अब तुमने अपने पैरों पर क्या कुल्हाड़ी मार दी, तुमने बोला ओनर मैं हूँ मजा तू ले ले, तुमने क्या कर दिया उसे अलाउ कर दिया। अब ये नॉन ओनर है लेकिन तुमसे पूछकर उसने क्या किया, सेल कर दिया, तो जज साहब ने कहा सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड। और ये कौन निकले, ये कौन है, ग्राहक, ग्राहक भूलो निकले कि उसे ये पता ही ना हो कि बेचने वाला है ना बेच नहीं सकता। तो ये लिखी बात, सेल बाय द बायर, बायर कौन, यहां किसकी बात चल रही है, तुम्हारी बात चल रही है, जिसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं है पोजेशन है ना, और उसने वो बेच दिया बिफोर प्रॉपर्टी, का मतलब क्या होता है ओनरशिप, बिफोर ओनरशिप गुड्स हैव वेस्टेड टू हिम, ओनरशिप आने से पहले तुमसे पूछकर क्या किया उसने, तो वो क्या मानी जाएगी सर बोलो, तो तुमने उसकी क्या दे दी सर, कंसेंट दे दी। तो जनरली ये होता ही है, जनरली क्या होता है, यही होता है ना। अब देखो, अब मान लो भैया मैंने भैया का कैलकुलेटर उठाया और इसकी आंखों के सामने ही तोड़ नहीं दिया, अरे पागल हो रहा है, इसके आगे सामने उसे बेच दिया, अब ये मुस्कुरा रहा है, ऐसी पीली पीले दांत दिखा रहा है अपने, बिल्कुल यही आंखों के सामने, तो बताओ ये कह रहा है इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। अब वो कह रहा है सर अब बताओ कैलकुलेटर इसका या इसका, जिसका है उसका होगा या जिसको मैंने दे दिया उसका होगा, नहीं जिसको मैंने दिया उसका होगा, पता क्यों, जज साहब ने बोला कैलकुलेटर का मालिक उसकी आंखों के सामने कोई और बंदा वही कैलकुलेटर किसी और को बेच रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेटर का मालिक ये मानता है कि मैं कैलकुलेटर के मालिक का एजेंट हूं और ये वाली सेल मैं चाहता हूं क्या हो, बिक जाए, वैलिड हो जाए। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा कोई सामान बेच रहा है, उसे रोकते रोकोगे नहीं क्या, तुम्हारे घर पर कोई सामान पड़ा है, तुम्हारे घर के आंगन में बाहर, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे घर के कोई गमले उठा के ले जा रहा है, तो रोकोगे नहीं, रोकोगे ये क्या, तो फिर रोका क्यों नहीं तुमने मुझे। तो जज साहब ने क्या बोला, रोका क्यों नहीं सर को, कि नहीं बात, इसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल मतलब रोकना, तुम्हें अब ये कहने से रोका जाएगा कि ये वैलिड सेल नहीं है, किसे रोका जाएगा, कैलकुलेटर के मालिक को, अब तुम्हें क्या कहने से रोका जाएगा, रोका जाएगा कि सेल वैलिड नहीं है, जैसा मैंने कहा अब ये मत बोल सेल वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे आपके सामने तुम्हारा ही सामान कोई बंदा कोई उठा के बेच रहा है ना, तो ये क्या दिखाता है, ट्रू ओनर क्या देखता है, उसने दूसरे बंदे को क्या किया है, ऑथराइज कर दिया बेचने के लिए, तो ये माना जाएगा तुमने मुझे ऑथराइज कर दिया सामान बेचने के लिए। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर समझते हो ना, इसको पैसे ना मिले हो, एक ऐसा दुकानदार, सेलर कौन, एक ऐसा दुकानदार जिसे तुम पैसे ना दे के आए हो और लेकिन सामान उसके दुकान पे रखा है, तो क्या बोलेगा, पहले पूरे पैसे दे, पहले पूरे पैसे दे तभी क्या होगा, तभी हाँ तभी सामान बेचूंगा। तो अनपेड सेलर को जब तक पूरे पैसे नहीं मिलते तो वो चाहे तो सामान नहीं बेच सकता, और इसको लेकिन अगर वो किसी और को बेच दे तो,
तो वैलिड सेल होगी, क्योंकि तुमने उसको क्या किए हैं, पैसे पूरे नहीं दिए। तो अनपेड सेलर है ना, क्या करेगा सर, गुड टाइटल किसी और को क्या कर सकता है, दे सकता है ओरिजिनल बायर के खिलाफ जाकर। अब भैया मान लो मैंने तुम्हें अपना मोबाइल बेचा, मैंने कहा भाई ये मोबाइल ले लो, है ना, मैंने खरीदा 30 का, तुम इसे 20 का ले लो। तुम कह रहे हो सर 10 पकड़ लो, अभी 10 दे देंगे कल परसों में। तो मैंने कहा 10 निकाल तब दूंगा। अब तुमने एक दो महीने निकाल दिए, 3 महीने निकाल दिए, तो मैंने किसी और को बेच दिया, तो वैलिड सेल है क्यों, क्योंकि मैं कौन हूँ, अनपेड सेलर, ठीक है ना, राइट। और अगली बात, कुछ नॉन ओनर होते हैं जिसे लॉ अलाउ करता है, वो याद है शिवाजी द बॉस दिखाई दी तुम्हें मैंने। अब शिवाजी द बॉस में उसकी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, कोर्ट के पास, वकील के पास। वकील आता है सर आपके रोल ऐसी घड़ी भी हमारे है ना प्रॉपर्टी में आती है, उसे बोलते हैं वकील साहब, वकील साहब या लिक्विडेटर। तो वकील साहब क्या ओनर है, नहीं, लेकिन फिर भी वो शिवाजी क्या कर सकते हैं सर, वैलिड सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी की। याद है फाइंड आउट गुड्स, पाया मैंने, पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें, मैंने गाना बिल्कुल गलत है, जिसको पाया उसका नहीं होता, लेकिन जिसको पाया है वो सामान बेच सकता है रीजनेबल टाइम के बाद। याद आगे बात, अगर पेरिशेबल नेचर का है तो, अरे सेक्शन 72 है ना, अगर पेरिशेबल नेचर का तो खराब होने से पहले उसे आप बेच सकते हैं। तो फाइंडर ऑफ गुड्स भी सामान बेच सकता है, कब, आफ्टर रीजनेबल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है मैंने तुम्हें, कि जनरली हम बोलते हैं ट्रू ओनर सामान है ना, मतलब नॉन ओनर सामान नहीं बेच सकता, सिर्फ इन्हीं केसेस में। कितने केसेस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस, कितने केस में, 8 केसेस में ट्रू ओनर सामान, ओ 8 केसेस में नॉन ओनर, ट्रू ओनर कह रहा हूं नॉन ओनर ना, 8 केस में नॉन ओनर क्या कर सकता है, वैलिड सेल। अगर इनके अलावा कोई और मिल जाए तो फिर वो इनवैलिड सेल है, तो वो क्या मानी जाएगी, इनवैलिड सेल। अभी छोटे छोटे केस लॉ दे रखे हैं, जो मैंने तुम्हें समझाया ना ये वही दे रखे हैं, है ना। जय वीरू बसंती जॉइंट ओनर है, बसंती ने बेच दिया बिना पूछे, तो ठाकुर को क्या मिलेगा, वैलिड टाइटल है ना। एजेंट वाला केस है, वैलिड टाइटल, एजेंट ने बेचा, वैलिड टाइटल, बात समझ में आ गई। राइट तो ये एग्जांपल आप आराम से पढ़ सकते हैं। नट्टू काका ने है ना जेठालाल के सामने टीवी बेच दिया, जेठालाल चुप है, तो इसका मतलब जेठालाल क्या चाहता है, कि नट्टू काका उसका टीवी बेच, तुम्हारा मैंने कैलकुलेटर भी वही वाली बात बोलो, समझ में आ गई बात। अब आती बात सर डिलीवरी, है ना, सामान की डिलीवरी, जैसे अमेजोन वाले आते हैं, ये आते हैं है ना, तुम्हारे घर पर सामान डिलीवर करके जाते हैं, नहीं कहते सर आपका सामान आया, अमेजोन से गेट के बाहर खड़ा हूँ, ले लो सामान, सर ऐसे में चाहेगा रेटिंग अच्छी दे देना, है ना। तो बताओ जो सामान तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए उसे बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, क्या बोलते हैं सर, फिजिकली तुम्हारे हाथ में सामान आ गया। अच्छा तुमने कार खरीदी तो क्रेन से उठाकर तुम्हारे सर पे धर दें, हैं, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, अब कैसे, कार की डिलीवरी, हाँ चाबी देकर। तुमने वो देखा होगा जब है ना प्राइस सेरेमनी होती है, जैसे हम अपने आप ही करते हैं तो कैश प्राइस देते हैं, तो कैश प्राइस देते हैं, वो नहीं आता बड़ा चेक है ना, वो भी क्या होता है सर, सिंबॉलिक डिलीवरी, क्या होता है, जब आप एक्चुअल गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका साइज बहुत बड़ा है या फिर वो बहुत भारी है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं सर, सिंबॉलिक डिलीवरी, बात समझ में आ गई। फिजिकली हैंडेड ओवर करने लायक वो चीज़ नहीं है तो सिंबॉलिक डिलीवरी दे सकते हैं। अच्छा जैसे मान लो स्कूटी है, अब स्कूटी उठाकर तुम्हारे सर पर थोड़ी रखूंगा, क्या दे दूंगा तुम्हें, चाबी, सिंबॉलिक डिलीवरी, है ना, बात समझ में आ गई। अगली बात सर, मान लो तुम्हारे घर पर कौन आया, अमेजोन वाला आया, तुम घर पे थे नहीं, तुमने बोला सामने, अरे सामने चिंटू की घंटी बजाओ, चिंटू की मम्मी निकली, हाँ भैया कौन, अरे भैया सामने वो रहता है आप है ना, उनसे बात कर लो, तुमने बात की, हाँ प्रिंस, आंटी जी मैं पढ़ने आ गया था, आंटी जी मैं घर पे, मम्मी भी गई बाहर गई, मैं आंटी आंटी में सामान आया, पैसे दे रखे वहाँ पर चला जाएगा ले लो, तो आंटी ने कहा क्या मंगा लिया, आंटी आंटी कुछ मंगाया सामान, बस आप डब्बा ले लो आंटी। अब चिंटू की मम्मी ने क्या ले लिया, डब्बा ले लिया, और तुमने उसे बोल भी दिया, हेलो भैया आंटी जी को पकड़ा दे, आंटी ने बोला देख ले उसने खुद बोला है, तो तुम शाम को घर पहुंचे, आंटी जी छल रही जूते पहन के, अरे बढ़िया वाला मंगाया तूने, अरे मुझे पता ही नहीं था तेरे जूते के साथ मेरे जूते का सेम है ना, अभी आ रही जॉगिंग करके, तुमने कहा आंटी जूते ना हटाओगी, रुक जा अभी थोड़े दिन इंजॉय तो करने दे, नए जूते हैं,
अब ये किसकी गलती है? सेल्समैन की। क्या माना जाएगा? गुड्स किसके हैं? तुम्हारे या सेल्समैन के या कंपनी के? तुम्हारे। क्यों? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि तुमने वो सामान किसको करा दिया? किसी और को। और तुमने इसको क्या कर दिया? एक्नॉलेज कर, तुमने एक्नॉलेज किया आंटी को दे दो, तो बस तुम्हारी गलती नहीं है। जल्दी पढ़ो, सी कौन हो गया? चिंटू है ना। ए ने क्या बोला? सी ने एक्नॉलेज कर दिया बी को कि भैया ठीक है, मैंने तेरे बिहाफ पे गुड्स ले लिया, तुमने भी कहा तो मेरे बिहाफ पे गुड्स ले ले। तो चिंटू को डिलीवरी इक्वल टू तुम्हें डिलीवरी। कितने तरह की डिलीवरी हुई बताओ जरा? कितने तरह की डिलीवरी हुई? फिजिकल, सिंबॉल, नहीं फिजिकल नहीं बोलोगे, एक्चुअल बोलोगे, एक्चुअल सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। अब कुछ डिलीवरी के रूल्स, बहुत सिंपल सिंपल, ये तो बहुत आसान है, घर जाके वो जरूर रिवाइज कर लेना तमीज में, सेल बाय नॉन ओनर है ना, ये तो टुच्ची बातें हैं। पेमेंट और डिलीवरी साथ साथ हो सकती है, इसी को अकाउंट की भाषा में आप बोलते हो कैश सेल्स। क्या बोलते हो? उसे बोलते हैं कॉन्कुरेंट डिलीवरी, कैश सेल्स। जूते दो पैसे लो, जूते दे दिए पैसे दे दिए। क्या डिलीवरी के करने से ओनरशिप चली जाती है? नहीं, चांटे बजा दूंगा। ओनरशिप के रूल्स अलग पढ़ रखे हैं, सेक्शन 19, 20, 21, 22 है ना, और 18। डिलीवरी के करने से क्या जाती है सर? सिर्फ पोजेशन जाती है। ओनरशिप तो कब जाएगी? जब डिलीवरी स्टेट में होंगे तो उसका बिल बन, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नॉन डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें भूल मत जाना। वो पुरानी चीज नई इसमें ना लगाओगे। अगली बात, तुमने मंगाया पिज्ज़ा, ना 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 नहीं नहीं पिज्ज़ा आया नहीं, पिज्ज़ा लेके आया वो आधा, भैया भूख लग रही थी, याद है वो है ना, याद है भैया भूख लग रही थी, भैया तुम्हारी चौकट में दम तोड़ देता भैया, फिर अंतिम संस्कार भी तुम ही करते, चिता को आँख देनी आती है भैया है ना, सर की साइड से जगाते हैं वो, तुम कह रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहा तू। तो तुमने क्या किया था? कंडीशन को वारंटी मान लिया था। वही वाला, वही वही सेल्समैन फिर आके नाटक कर रहा है। अब तुम समझ गए भाई ये कौन है, ये नाटकबाज है, हर जगह सेम नाटक करता है। तो तुमने उसे क्या बोला? निकल ले अब तू, अब मैं डिलीवरी, मैं आधे आधा पिज्ज़ा, आधा पिज्ज़ा लूंगा ही नहीं मैं, आधा पिज्ज़ा तो सुन, लूंगा ही नहीं मैं आधा पिज्ज़ा। इसका मतलब जज साहब ने क्या बोला? पार्ट डिलीवरी या तो लो मत। अगर तुमने पार्ट डिलीवरी ले ली तो क्या माना जाएगा? तुमने पूरा पिज्ज़ा ले लिया। किसने, किन ने कही, किन ने कही तुम्हें पार्ट डिलीवरी लेने को? समझ में आ गई बात? बोलो भैया। ठीक है, जब तक कि तुम खुद ही आपस में कांटेक्ट ना कर लो कि पार्ट डिलीवरी अलग चलेगी और है ना, दो दो हिसाब से चलेगी। बायर, अब बताओ डिलीवरी के लिए कौन अप्लाई करेगा? हाँ, कौन अप्लाई करेगा? बायर अप्लाई करेगा। बायर खुद बोलेगा भाई इस दिन मिलूंगा, इस दिन, सेलर मत लिखाना एग्जाम में गलती से भी। बायर बोलेगा माल किधर है ना, राइट, इतने दिन हो गए सामान नहीं लाया। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी बताओ? हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब देखो सुनना ध्यान से, सबसे पहला केस, अगर कोई कॉन्टेंट नहीं हुआ है कि डिलीवर कहाँ होना है सामान है ना, तो कहाँ डिलीवर होगा? जिस प्लेस पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कहाँ पर? ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, याद आ गई बात? अगर तुमने लिख दिया एग्रीमेंट में कि कहाँ डिलीवर होगा, हाँ ठीक है ना, इन एग्रीमेंट ऑफ सेल गुड टू बी सोल्ड आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड एट स्पॉट वेयर देवर टाइम ऑफ एग्रीमेंट है ना, जहां पे क्या हुआ है सर? एग्रीमेंट हुआ है ना, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि जयमाला वाला केस, जयमाला कहां पहुंचनी है? प्रीतम फार्म, तो कहां डिलीवर होगा? हाँ। अच्छा, अगर गुड्स एग्जिस्ट ना करते जो तुमने एग्रीमेंट किया, तो पता कहाँ होगा? जहाँ गुड्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई प्लेस नहीं है, नो प्लेस, तो कहाँ डिलीवर होगा? दुकान, जहाँ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया है ना, जहाँ वो सेल के टाइम पर थे दुकान पे, है कि नहीं बात?
बोलो भैया। है ना, और अगर वो बने ही नहीं है कि भैया बनेंगे तो कहाँ होगा, फैक्ट्री में। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, नहीं रीजनेबल, अगर बताई नहीं है तो किस समय डिलीवर करोगे, रीजनेबल टाइम। और भैया बताओ रीजनेबल टाइम क्या होता है एक दुकानदार के लिए, सुबह 10 से शाम को 6-7 बजे तक। अब रात को 12 बजे थोड़ी घंटी बजाने आ जाएगा अमेजोन वाला, सामान लाया हो, पानी ले आई हो, है खोल दोगे उसके दरवाजे, चिंटू गुड्स रखे हैं चिंटू के पास, और चिंटू ने एक्नॉलेज कर दिया तुम्हें कि भैया भैया तुम्हारे जूते ले लिए मैंने, तो क्या होगा, वो गुड्स माने जाएंगे कि तुम्हें डिलीवर हो चुके हैं, है ना, राइट। बोलो अगली बात सर, अगर टाइम ऑफ डिलीवरी को अगर टेंडर, टेंडर बोले तो डिमांड करेगा कौन, सेल्समैन या सेलर, तो भी कब करेगा, रीजनेबल आवर में, ठीक है। या अगर तुम डिमांड करोगे तो भी तो कब डिमांड करोगे, रीजनेबल आवर में। तुम उससे नहीं कह सकते रात को 1 बजे आ जाइए सामान लेके, क्यों आ जाइए भाई रात को 1 बजे, हैं क्यों आ जाइए, बात समझ में आ गई। अगली बात सर, सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, आने जाने का भाड़ा कौन देगा, बायर, गलत जवाब। आने जाने का भाड़ा ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, बायर देता है, पर आने जाने का भाड़ा कौन देगा, सेलर। वो तो तुम्हें लगता है ऐसा कि हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज, अरे डिलीवरी चार्ज 500 रुपये के ऊपर फ्री नहीं होते, तुमने एक सामान मंगाया उसमें लिखा डिलीवरी चार्ज 50 रुपये, चलो तुमने दे दिए, तुमने सामान मंगाया 1000 रुपये का उसमें लिखा था फ्री डिलीवरी, तो फ्री डिलीवरी में आने जाने का पेट्रोल डीजल तो लगा है, तो वो डिलीवरी चार्जेस किसने दिए, तुमने कहाँ दिए, सेलर ने दिए, है कि नहीं बात। तो जर्नली कौन देता है, सेलर ही देता है, क्या बोलकर कहता है वो, फ्री डिलीवरी सर आपके लिए। लेकिन अगर बायर को देना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा कि कौन देगा, बायर देगा। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होगा तब तक कौन देगा सर, सेलर देगा। अगली बात सुनेंगे ध्यान से, अब मान लो भैया तुम्हें भूख लग रही थी, मजेदार बात, तुम्हें भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तुमने कहा भैया 20 समोसे दे जा, अब वो समोसे बेचने वाला तुम्हारे घर पे आया, उसमें उसने 20 नहीं सुने, उसने सुन लिए 30, अब बताओ क्या होगा, ना तुम्हारे पास ऑप्शन है, 20 निकाल लो 10 सुलटा दो, या 30 के 30 रख लो और बाकी के क्या कर दो, पैसे दे दो, ये लिखी बात, एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, या तो पूरे एक्सेप्ट कर लो तो बचा बकाया पैसा दे देना, है कि नहीं बात। अच्छा बोला उस तुमने मंगाया भैया 20 समोसे ले आइए 20, है कि नहीं बात, राइट। वो ले आया 15, अब पंद्रह ले लो, है ना, मर्जी आपकी, यहाँ तो मैं यहाँ मुक्के बज गए आपस में, पापड़ी मैं खाऊंगा आलू तू खाएगा, तुमने कहा भाई यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या करो सारे के सारे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो या एक्सेप्ट कर लो अगर मिल बांट के खा सको तो, है ना, राइट। 5 बार मंगाने की जरूरत नहीं है, तुमने 20 समोसे मंगाए, वो कह रहा भैया भैया 15 गरम समोसे थे, 5 ब्रेड पकौड़े थे, 5 ब्रेड पकौड़े ले आया, 15 समोसे ले आया, अब क्या, बोलो सेम बात। इसे बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ गुड्स, क्या बोलते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के। तो एक काम करो, या तो 15 समोसे रख लो 5 रिजेक्ट कर दो, या फिर क्या करो सारे रख लो, अगर भैया आपस में फैसला हो जाएगा कि ब्रेड मैं नहीं खाता ब्रेड पकौड़े, मुझे ना मजे आते मैं खा लूँगा, चल है कि नहीं बात, ये लिखी बात, ठीक है। रेलिवेंट रख लो, 5 ब्रेड पकौड़े रिजेक्ट कर दो, या सारे के सारे भी रिजेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, भैया यहाँ झगड़ा हो जाएगा ले जा वापस, ठीक है। पता लगा 20 समोसे मंगाए थे 20 ही लाया, उसमें से निकले 5 एकदम काले, तुमने कहा क्या कर रखा है, वेस्ट इंडीज से लेकर आए हैं, है? तुम समझ गए, पहले सुबह कूदा होगा तेल में, फिर बिके ना होगा ये, फिर शाम को दोपहर को कूदा होगा तेल में, फिर तब भी ना बिका होगा, अब
अब तुमने रात शाम के टाइम तब तुमने मंगाए समोसे, इसने फिर तीसरी बार तल दिए उन्हें, तो क्या हो गए? बेकार हो गए, काले हो गए, क्या करोगे अब? या फिर सारे वापस कर दो या फिर रिजेक्ट कर दो सारे, है ना, या फिर क्या करो? डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के लाया है तो सारे रिजेक्ट कर लो, या भैया उसमें से बेकार वाले वापस कर दो, याद रहेगी बात, है ना? तो भैया अगली बात, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, बिल्कुल पार्ट डिलीवरी की तरह, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो कि मैं समान इंस्टॉलमेंट में लूंगा, जब तक तुम्हें इंस्टॉलमेंट में सामान लेने की जरूरत, तुमने मान लो भैया चार पिज्जा ऑर्डर किए, वो कह रहा है एक आज लाऊंगा, एक दोपहर को लाऊंगा, एक शाम को लाऊंगा, अबे ये क्या बात हुई भाई, कर लोगे एक्सेप्ट? तुमने कहा मैंने क्या, मैंने ऐसा इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, तो जब तक ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो आप भैया इंस्टॉलमेंट मत लेना सामान बिल्कुल भी, या तो कॉन्ट्रैक्ट करो इंस्टॉलमेंट का ही, तभी लेना है ना। ट्रक, अगर तुमने ट्रक वाले को डिलीवर किया तो क्या माना जाता है? प्राइमा फेसी माना जाता है, तुमने बायर को डिलीवर कर दिया। डिलीवरी टू द ट्रक ड्राइवर इक्वल टू डिलीवरी टू बायर। अब इसमें लोचाया, अगर ट्रक वाले को डिलीवर हुआ, तुम सनी देवल सामान लेके निकला, ट्रक लेके मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे ट्रक लेटा आया, उनने ट्रक लेटा दिया वहां। अब तुम कह रहे हो भाई बायर कह रहा है ससुरा, ये क्या चक्कर है? ट्रक वाले को डिलीवरी इक्वल टू बायर को डिलीवरी। अब ट्रक को सनी देवल ने लुटका दिया तो बायर लॉस झेलेगा, और सनी देवल कह रहा मैं क्यों झेलूंगा लॉस, सेलर झेलेगा लॉस, है ना? किन्ने कही थी सनी देवल को देने को सामान, है किन्ने कही थी सनी देवल को सामान देने को? मैं तो ना झेल ला, लड़ाई झगड़ा हो गया ना हो गया। अब बताओ रास्ते में, डेट्रॉइट मतलब खराब, कहाँ हो गया सर? रास्ते में। अगर गुड रास्ते में खराब हो गए तो लॉस कौन झेलेगा ना? अब इसमें दो बातें, इसमें हम बायर को बोलते हैं, सेलर बायर से रिक्वेस्ट करता है कि बायर उसका क्या करा ले, क्या करा ले भैया? इंश्योरेंस करा ले। बायर क्या करा ले उसको? इंश्योरेंस। बायर को बताता है भाई देखो ये गुड्स तुम्हारे हैं, तुम्हें इसका क्या करा लेना चाहिए? इंश्योरेंस। तो भैया बायर ही कराता, तो मोबाइल खरीदते हो इंश्योरेंस कराते हो, लैपटॉप खरीदते हो इंश्योरेंस कराते हो, कराते नहीं कराते? तो सेलर थोड़ी कराएगा। अब अगर बायर ने इंश्योरेंस करा लिया तो बढ़िया बात है, रस्ते में सनी देवल ने ट्रक लपेट दिया, लुढ़का दिया, तो इंश्योरेंस वाला सामान पैसा देगा। लेकिन अगर बायर ने इंश्योरेंस नहीं कराया तो भैया बायर की गलती मानेंगे तो बायर क्या करेगा? लॉस झेलेगा। ये लिखी बात, बात समझ में आ गई? क्यों किसी गलती मानी गई है? बोलो किसी गलती मानी गई? बायर की गलती मानी गई, बायर की गलती मानी गई। बोलो समझ गए बात? अच्छा एक ऐसा लॉस होता है जो बिना इंश्योरेंस कराए भी, बिना इंश्योरेंस कराए भी सेलर झेलता है। बोलो ऐसा कौन सा लॉस होता होगा? नहीं मुन्ना ना, जो बायर इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो भी, सेलर इंश्योरेंस ना कराए तो भी बायर झेलेगा, बताओ कौन सा? अरे नॉर्मल लॉस। अरे बेइज्जती कर ले अकाउंट वाले भैया की, है ना? यानी कि जो नेसेसरी इंसिडेंटल है, होना ही होना है, कौन सा भैया? नॉर्मल लॉस। कौन झेलेगा सर? वो बायर झेलेगा। अरे नॉर्मल लॉस तो बायर ही झेलेगा भाई, कैसे, है ना? बात समझ में आ गई? बोलो भैया। और जब बायर के द्वारे पर आया तेरे सर पे दर पे सवाल ही है ना, गाना गा दिया तुमने, तो बायर का राइट होता है, तुम्हारा भी राइट है। तुम क्या करते हो सर? जागो ग्राहक, जागो गुड्स को चेक करते हो, चेक करके सामान खराब निकला तो रिटर्न पॉलिसी होती है, रिटर्न कर दिया, सेम बात यहाँ लिखी है, सामान खराब निकले तो क्या करना? रिटर्न कर देना। सैलर इज बाउंड टू अफोर्ड द बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड। सैलर को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है, एक दो दिन में आराम से क्या कर ले, क्या कर ले, हाँ गुड्स को क्या कर ले भाई? चेक कर ले रे भैया, चेक कर ले। बोलो समझ गए सर? ये था तुम्हारा डिलीवरी के रूल, बहुत सिंपल, जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना?
राइट, ये कब माना जाएगा? तुमने अपना गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, या तो तुम सेलर को बता दो बहुत बढ़िया लगा भैया हमने टैग वैग काट के धुल दी वो शर्ट जीन्स, या फिर तुम क्या करो कुछ ऐसा काम कर दो जिससे पता लग जाए कि भैया ओनरशिप तुम्हारे पास वापस नहीं जाएगी, तुम्हारे पास है, तुमने इसे आगे किसी और को बेच दिया या कुछ सामान को किसी और को आगे गिरवी रख दिया, या फिर रीजनेबल टाइम निकाल दिया, फिर तो तुम्हारा हो गया। याद आगे बात, जय माता दी, है ना, व्रत का आहार तुम 8 दिन बाद थोड़ी दोगे उसे, बोलो समझ गए सर, सिंपल सी बात है सर। आखिरी बात आज की, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ बायर, बायर की ड्यूटी बता रहे हैं सेलर की नहीं, बायर की, है ना। क्या बात, जब बायर को गुड्स डिलीवर हो जाए, है ना, और वो चाहता है कि वो उसे एक्सेप्ट ना करे, तुम्हारे पास सामान चला गया अमेजोन से, सामान आ गया, तुम्हें उसमें मजा नहीं आया, पसंद नहीं आया, क्या करोगे, रिटर्न करोगे? तो ये बात सेलर को बताओगे ना, तो ये तुम्हारी होगी ड्यूटी, तुम सेलर को बताओगे कि भैया ये वाला तूने सामान सही नहीं भेजा, मैं नहीं लूंगा भाई, मैं नहीं लूंगा। बोलो समझ आ गई बात। अगली बात देखो, ये तो ड्यूटी हो गई, वेयर सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, सेलर कह रहा भाई सामान ले ले, सामान ले ले, तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, सामान ले ले, और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा बायर को, ले ले भाई सामान, ले 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 सामान ले ले, बायर कह रहा ना ले रहा, बोल क्या करेगा, और रीजनेबल टाइम रात कर दी तुमने, रीजनेबल टाइम भी निकाल दिया, अब ये बायर की क्या बनी सर, लाइबिलिटी, सेलर को जो भी लॉस होगा तुम्हारे सामान ना लेने की वजह से, उसको देर रात तक रुकने की वजह से, वो कौन भरेगा, एक तो तुम लॉस, तुम भरोगे लॉस, ठीक है ना, और जो तुम्हारे सामान को टेक केयर करने के लिए क्या लिए उसने, कष्ट कष्ट झेले हैं, उस टेक केयर करने के तुम क्या दोगे सर, है ना, गुड्स के टेक केयर के तुम चार्ज भी दोगे। तो ये हो गई तुम्हारी ड्यूटी, ए पॉइंट क्या हुआ, ड्यूटी तुम्हारी, और ये तुम्हारी क्या हो गई, ऊपर वाली ड्यूटी ऑफ द बायर, नीचे वाली लाइबिलिटी ऑफ द बायर, बोलो समझ गए सर, समझ में आ गया बात, मजा आ गया सर।